जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लेकर आए हैं और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है तो यहाँ सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और आप जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोर्स परचेस करें हिंदी साहित्य का और यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद जी से संबंधित तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह भारतेंदु ही माने जाते हैं तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दो है भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे थे नौ सात आठ या छह नाटक तो आपका सही आंसर है भारतेंदु जी ने नौ मौलिक नाटक लिखे थे विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर तीन क्या पूछा गया है यहाँ पर तो भारतेंदु ने निंदी के सर्वप्रथम अभिनत नाटक जानकी मंगल में किसकी भूमिका निभाई थी राम भरत लक्ष्मण या सुग्रीव किसकी भूमिका निभाई थी भारतेंदु जी ने हिंदी के प्रथम अभिनत नाटक जानकी मंगल में तो इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर चार है भारतेंदु का पहला अनुदित नाटक है पहला अनुदित नाटक कौन सा है भारतेंदु का तो क्वेश्चन नंबर चार है और चार का सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है यानी कि विद्यासुंदर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विद्यासुंदर राइट right आंसर है बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर पांच पूछा है भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक माना जाता है तो कौन सा माना जाता है भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है चार दो विकल्प यहां पर दिए गए हैं और दो यहां पर हैं, तो देखिए भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक की बात करें तो वह माना जाता है वैदिक की हिंसा हिंसा ना भवती वैदिक की हिंसा हिंसा ना भवती आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर छह पूछा है भारतेंदु का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था सती प्रताप अंधे नगरी मुद्रा राक्षस या नील देवी तो इनका अधूरा नाटक पूछा है अधूरा नाटक कौन सा रह गया था भारतेंदु जी का तो सती प्रताप आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक क्वेश्चन नंबर सात पूछा भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से रचना करते थे कलाधर रसा जकी या फिर यहाँ पर है कुट्टी चातन तो आपका सही आंसर है यहाँ पर, राइट आंसर होगा। रसा विकल्प आपका, यहाँ पर सी राइट आंसर है रसा आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आठ पूछा भारतेंदु द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है कवि बचन सुधा हरिश्चंद्र चंद्रिका या फिर बाला बोधनी या भारतेंदु तो भारतेंदु द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी है तो कवि बच्चन सुधा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन no. नंबर हरिश्चंद्र चंद्रिका पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी ये बताना है तो आपका सही आंसर है यह पहले हरि हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी कौन सी हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका अगला क्वेश्चन है भारतीय हिंदू किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं आधुनिक युग या फिर काल या फिर रीतिकाल या अत्याधुनिक तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ग्यारह पूछा है कि भारतीय का जन्म कब हुआ था भारतेंदु का जन्म कब हुआ था क्वेश्चन नंबर ग्यारह है महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है अठारह सौ पचास ईस्वी आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बारह पूछा है इनमें से कौन सा भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है नहीं है मौलिक नाटक नहीं है कौन सा नहीं है तो क्वेश्चन नंबर बारह है और बारह का राइट आंसर है भारत जननी भारत जननी विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तेरह पूछा है भारतेंदु ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किया है भारतेंदु जी ने तो किस नाम से किया है तो दुर्लभ बंधु नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया है तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है आलोचक ने कहा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य की युग प्रवर्तक बनी किसने कहा है वह आलोचक कौन है रामचंद्र शुक्ल नामवार सह नंदुलारी वाजपेयी या नगेंद्र तो आपका सही आंसर है कहा है किसने आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह है भारतेंदु की सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी तो स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका इनकी बताना है कौन सी थी तो क्वेश्चन नंबर पंद्रह है और पंद्रह का राइट right आंसर है बाला बोधनी तो विकल्प नंबर आपका डी यहां पर सही आंसर होगा भारत हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ क्वेश्चन नंबर सोलह है और सोलह का सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद जी का जन्म कहाँ हुआ तो आपका सही आंसर है कहाँ पर काशी बिल्कुल सही काशी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सत्रह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ तो यहां पर कब हुआ ये पूछा है तो आपका यहां पर जो सही आंसर है भाई क्या है राइट आंसर तो यहां पर विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है यानी कि 1850 सौ ईस्वी आपका सही आंसर होगा भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का सही आंसर है कि तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु जी ने अठारह सौ ईस्वी में की थी विकल्प नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर है भारतेंदु के गुरु का क्या नाम माना जाता है तो ये आपके लिए बताना भारतेंदु जी के गुरु का क्या नाम माना जाता है क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर उन्नीस और उन्नीस का सही आंसर है लोकनाथ

क्वेश्चन नंबर इक्कीस है और इक्कीस का सही आंसर है नील देवी विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बाईस क्या पूछा है कि भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा की स्थापना कहाँ की दिल्ली काशी कलकत्ता लखनऊ तो इस सभा की जो स्थापना की थी भारतेंदु जी ने वह काशी में की थी तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर तेईस पूछा है भारतेंदु का कौन सा खड़ी काव्य कौन सा काव्य खड़ी बोली में है फूलों का गुच्छा प्रेम मालिका प्रेम फुलवारी वर्षा विनोद तो फूलों का गुच्छा जो है भारतेंदु जी का काव्य खड़ी बोली में है तो विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा भारतेंदु का प्रथम नाटक है रत्नावली है विद्या सुंदर है पाखंड विडम्ब विखंडन है या फिर दुल्लभ बंधु है प्रथम नाटक पहुंचा है तो भारतेंदु का प्रथम नाटक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित नाटक, नाटक, तो नाटक था अधूरा नाटक भारतेंदु जी का सती प्रताप और इसको पूरा किया था राधा कृष्ण दास जी ने तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर छब्बीस है भारतेंदु ने किस पत्र में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार प्रत्यक्ष वर्णन किया है वह पत्र आपको बताना है क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर छब्बीस है और छब्बीस का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि प्रबोधनी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सत्ताईस है भारतेंदु हरिश्चंद्र को काशी के पंडितों ने कौन सी उपाधि दी थी जिसके बाद भी उक्त नाम से लोकप्रिय हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र भारतेंदु या भारतवर्ष जो इन्होंने इनको जो उपाधि दी थी काशी के पंडितों ने वह उपाधि दी थी हरिश्चंद्र की सॉरी भारतेंदु की उपाधि दी थी तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस पूछा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल उपरोक्त पद के रचनाकार भारतेंदु हैं राधा चरण गोस्वामी हैं राधा कृष्णदास है ठाकुर है, जगमोहन हैं तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर इस पद के जो रचनाकार हैं वह भारतेंदु हरचंद जी हैं विकल्प नंबर एक सही आंसर है इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है देखिए आपसे नहीं पूछा कि भारतेंदु मंडल का कवि कौन नहीं है क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है उनतीस है और उनतीस का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि नाथुराम शर्मा शंकर आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग का समय है तो कब से कब तक भारतेंदु युग का समय माना जाता है क्वेश्चन नंबर तीस है और तीस का बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि अठारह से उन्नीस ईस्वी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इकतीस पूछा हरिश्चंद्र पत्रिका का हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का कितने अंकों पर हरिश्चंद्र मैगजीन नाम था तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर इकतीस है हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का कितने अंकों तक कितने अंकों तक हरिश्चंद मैगजीन का नाम था तो आपका राइट आंसर है आठ अंकों तक विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा भारतेंदु ने कवि बचन सुधा पत्रिका कब निकाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाए और आपका सही आंसर है ए, भारतेंदु जी ने कवि बचन सुधा पत्रिका कब निकाली अठारह सौ ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही भारतेंदु के फूफेरे भाई कौन थे तो यहां पर क्वेश्चन नंबर तेतीस है और तेतीस का आपका जो सही आंसर है यहां पर पुफेरे भाई पूछा है तो भारतेंदु जी के थे राधा कृष्णदास विकल्प नंबर आपका डी यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर चौंतीस यहाँ पर पूछा है कि भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन कब निकाली ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हरिश्चंद्र मैगजीन कब निकाली किसने भारतेंदु जी ने तो आपका सही आंसर है अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी में अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भारतेंदु ने बाला बोधनी पत्रिका कब निकाली थी क्वेश्चन नंबर पैंतीस है और पैंतीस आप का, चो, तो का आपका जो सही आंसर है वह आपका सही आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है यानी कि अठारह सौ ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही अठारह सौ ईस्वी आपका सही आंसर है भारतीय हिंदू द्वारा रचित काव्यों की संख्या कितनी मानी जाती है साठ अस्सी सत्तर या नब्बे तो क्वेश्चन नंबर छत्तीस का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है सत्तर आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही सत्तर जनों ने बताया है इनके द्वारा रचित काव्यों की संख्या कितनी है सत्तर भारतीय जी के क्वेश्चन नंबर सैंतीस है इनमें से कौन सा निबंध भारतेंदु का नहीं है तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है कविराज की सभा स्वर्ग में विचार सभा का आयोजन या ईश्वर बड़ा विलक्षण है तो यहाँ पर भारतेंदु का कौन सा निबंध नहीं है तो कविराज्य की सभा है ये जो है इनका निबंध नहीं है क्वेश्चन नंबर अड़तीस पूछा है यहाँ पर क्या पूछा है तो देख ली भारतेंदु ने उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना कब की भक्तमाल की रचना कब की भारतेंदु जी ने तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर अड़तीस का विकल्प नंबर डी यानी कि अठारह सौ ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर उनतालीस क्या दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर उनतालीस यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं देखिए यहाँ पर पूछा है कि इंग्लैंड का पेट कभी ही? ही खाली था उसने एक हाथ से पेट भरा दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया यह पंक्ति भारतीय दु के किस निबंध से ली गई है ये आपको बताना है ये जो पंथी है भारतीय जी के निबंध से ली गई है वह कौन सा निबंध है तो भारत आपका राइट आंसर है भारत की उन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध से ये पंक्ति ली गई है भारतीय जी का ये निबंध है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु का यात्रा वृत्तांत नहीं है देखिए यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है तो नहीं में आपका राइट आंसर होगा ए, क्या होगा राइट आंसर स्पीति की यात्रा आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर इकतालीस पूछा है जामे रस कुछ होते है ताही सब को है, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए उपरोक्त पद की रचनाकार कौन है इस पद की रचनाकार आपके लिए बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर इकतालीस में और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर इस पद की रचनाकार भारतेंदु जी माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर बयालीस है इनमें से कौन सा नाटक संस्कृत के चौर पंचासिका का अनुवाद है तो वह कौन सा नाटक है जो संस्कृत के चौर पंचासिका का अनुवाद है तो राइट आंसर है रत्नावली विद्यासुंदर पाखंड विडंबन विखंडन या दुर्लभ बंधु तो यहाँ पर विद्या सुंदर होगा सही आंसर विकल्प नंबर सी इनमें से कौन सा नाटक अनुदित नाटक है अनुदित नाटक बताना है तैतालीस में और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है अनुदित पूछा है तो रत्नावली जो नाटक है अनुदित नाटक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद जी का अगला क्वेश्चन क्या है भारतेंदु का यह नाटक कृष्ण के नाटक प्रबुद्ध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है कौन सा नाटक धनंजय विजय कर्पूर मंजरी या फिर पाखंड विखंडन या भारत जननी तो आपका सही आंसर है पाखंड विखंडन जो है यह नाटक कृष्ण मिश्र कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबुद्ध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है भारतेंदु का यह नाटक विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है कौन सा नाटक बताइए है कौन सा नाटक है विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है तो आपका सही आंसर है मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है जग बीती आप बीती कुछ आप बीती मेरी आप बीती तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा कौन सी है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या है सही आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा बी यानी कि कुछ आप बीती आपका सही आंसर है भारतेंदु का कौन सा नाटक जो है भाड़ नाटक है ये आपको बताना है तो क्वेश्चन नंबर सैतालिस है और सैतालीस का सही आंसर इन दोनों विकल्पों में से कौन सा होगा तो भाड़ नाटक कौन सा है भारतेंदु जी का तो विश्व विषमौषधम यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतेंदु का प्रहसन नाटक कौन सा है विशेष भारत दुर्दशा अंधे नगरी या प्रेम जोगनी तो प्रहसन नाटक कौन सा है का? तो आपका सही आंसर होगा अंधेर नगरी विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर है भारतेंदु के इस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है तो वह कौन सा नाटक है यहाँ पर बताना है श्री चंद्रावली नाटिका या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न तो आपका सही आंसर है, तो है। वैदिक हिंसा हिंसा नवती इसमें जो है भारतेंदु के इस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती क्वेश्चन नंबर पचास यहाँ पर पूछा है भारतेंदु की मृत्यु कब हुई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और आपका जो सही आंसर है वह अठारह सौ पैंतीस ईस्वी सॉरी अठारह सौ पचासी ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी अठारह सौ पचास में इनका जन्म हुआ था बिल्कुल सही तो यहाँ पर आप अन्य देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भारतेंदु जी से संबंधित तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर आप को क्या है? एप में आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य की और यहाँ पर आपको ऑफर भी चल रहा है तो अभी बहुत ही कम दामों में आपको यहाँ पर ये आपका कोर्स यहाँ पर है तो अभी परचेस करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के माध्यम से तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए सेल्फ़ स्टडी क्लासेस ऐप और अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए और सभी लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद